नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। कुल्टी थाना अंतर्गत दिशा जन कल्याण केंद्र यौनपल्ली में आज महिला एकता संघ का उद्घाटन हुआ। महिला एकता संघ बनाने का मकसद ये रहा कि यहाँ जो यौन कर्मी लड़कियाँ जो काम करती है वो आपसी तालमेल के साथ अपनी समस्याओं का समाधान कर सकेगी। आए दिन देखा गया है कि यहाँ पे काम करने वाली लड़कियों को काफ़ी तरह की समस्याएं आती है, तो वो इन समस्याओं को अन्यत्र नहीं बता पाती थी, इसलिए महिला एकता संघ का स्थापना किया गया है ताकि वे लोग अपनी किसी भी समस्याओं का आपसी सहमति और तालमेल के साथ इसका समाधान कर सके। সরস্বতী পূজার প্রোগ্রাম ছিল, তো এর জন্য আমরা এখানে মানে বস্ত্র বিতরণ করছি। কতজন আপনি বিতরণ করবেন এখন? 500। আর লকডাউন থেকে আগে থেকে আপনি কি সমাজসেবা এই কাজ করছেন? লকডাউন থেকে আগে হ্যাঁ করেছি, যারা এখানে ছিল মেয়েরা বা যারা বয়স্ক যারা ছিল তাদেরকে মানে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আর যাবি তাদের অসুবিধা ছিল সেগুলো দেখাশোনা করেছি। কিন্তু মানে আমরা যে নিজের থেকে এগুলো করেছি সেটাও না, যারা আমরা পেয়েছি বাইরের থেকে বা এখান থেকে আমরা যতটা পেয়েছি সবাই মিলে করেছি। আপনার পরিচয়? আপনার নাম? আপনার নাম মুস্কান। আজ কা কার্যক্রম হ্যাঁ হাম লোক কো সরস্বতী পূজা উপলক্ষ মে হাম লোক কো জো ক্লাব বানা মহিলা কা এনসিসি মহিলা একটা সংগঠন হ্যাঁ उसका लिए आज प्रोग्राम रखा हुआ है। क्या प्रोग्राम? चादर वितरण का प्रोग्राम रखा हुआ है, मिठाई उठाई बांटेंगे। आज के दिन चादर वितरण करने का मतलब कार्यक्रम जो आप लोग कर रहे हैं वो कैसे आप लोगों को ख्याल आया कि चादर वितरण करना है? क्यों करना? क्यों हम लोग को लगा थोड़ा चादर दान कर दे खिलाफ को, आज हम लोग ये करेंगे। किस तरह के लोगों को चादर दान कर रहे? सबको दे रहे, कोई भाग भेद नहीं है, भाग भेद नहीं है, जो लेगा उसी को हम लोग देंगे चादर। सामाजिक काम आप कर रहे हैं? हाँ सामाजिक काम कर रहे हैं हम लोग लॉकडाउन। इसके अलावा और क्या सामाजिक कार्य किए हैं? हम लोग लॉकडाउन में पूरा यहाँ जितना हम लोग को दिशा में लड़की लोग है औरत लोग है सबको खाना खिलाना देखभाल करना दवाई का पैसा देना सब यहाँ ऐसे एनसीसी क्लब से ही हुआ है। आज कितने लोगों को यहाँ पर चादर वितरण किया जाएगा? 500। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम शांति बनर्जी।